नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज के छठे मंथली म्यूज़िक कॉन्सर्ट में मैं डॉक्टर मेघना अष्टपुत्रे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोए। अपनी संस्कारी नगरी वडोदरा में ऐसे एक महर्षि तुल्य गुरु का 1950 में आगमन हुआ और संगीत जगत, तबला जगत में तहलका मचा। धीरे धीरे यहाँ स्थित होकर उन्होंने ऐसे शिष्य बनाए और ऐसे महान शिष्य बनाए। उन शिष्यों के बारे में मैं दो लाइनें आपको पेश करना चाहती हूँ। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करी लये महंत। इसका अर्थ यह है कि गुरु में और पारस पत्थर में तो अंतर होता ही है, गुरु में और पारस पत्थर में तो अंतर होता ही है, ये सब लोग संत जानते ही है। पारस तो सिर्फ लोहे को सोना ही बना देता है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने समान महान बना देता है। और ठीक ऐसे ही अपने हमारे गुरुजी ने ऐसे महान शिष्यों को बनाया है जो आज गुरुजी के जाने के बाद 15 साल के बाद भी उनको याद किया जाता है और उनकी स्मृति में शताब्दी महोत्सव बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये सब जो त्यौहार की तरह जो मनाया जाने वाला ये जो शताब्दी महोत्सव है, ये हमारी पूज्य माता जी, आज वो उपस्थित नहीं है लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वो इस ऑनलाइन हमको देख रही होगी, इस त्यौहार को, इस महोत्सव को देख रही होगी। तो ये सब जो पूरा साल चलने वाला जो महोत्सव है वो अपनी आँखों से वो देख रही है हमारी माता जी श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमें क्या चाहिए? आज के कार्यक्रम में, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में श्री अक्षय परनामी, जो परनामी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तथा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमें लाभान्वित हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स के पूर्व प्राध्यापक श्री राजुल मेहता जी और उसी डिपार्टमेंट के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर बी आर उपाध्याय, आपका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर श्री विनोद पटेल जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं उपस्थित अतिथि महोदय, कला संकाय डिपार्टमेंट ऑफ तबला के अध्यक्ष प्रोफेसर गौराम भावसार सर, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे सर, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम सरस्वती
मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्यादान करोतु मे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने। धन्यवाद। सभी महानुभावों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव एवं उपस्थित श्रोतागण को मैं निवेदन करती हूँ कि अपने स्थान पर वो खड़े रहे और यूनिवर्सिटी सॉन्ग के लिए। वन टू वन। अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योति जलावी सृष्टि नवली सहसा सर्जनहारा अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योति जलावी सृष्टि नवली सहसा सर्जनहारा अमे गगन कुसुम कर धरनारा अमे मगन मगन थई भरनारा अगन बाथ अमे भरनारा अमे दैन्यति मेरने हरनारा अमे वडोदरा विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योत जलावी सृष्टि नवली सर्जनहारा श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञान दीपने धरनारा श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञान दीपने धरनारा सत्यम शिवम सुंदरम नो मंत्र धन्यवाद। आज के प्रमुख अतिथि श्री अक्षय परनामी, जो परनामी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, ओरा फाइन आर्ट्स रियलम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, तथा द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के एक्स सेनेट मेंबर भी है, तथा BVM अर्थात भारतीय विचार मंच के कोर कमिटी मेंबर भी है, तथा अनेक सामाजिक प्रवृत्ति में भी वो जुड़े हैं, RSS के एक्टिव मेंबर भी है। मैं आपका स्वागत करने के लिए हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक तबला डिपार्टमेंट की प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे तथा तबला डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर गौरांग भावसार को आमंत्रित करती हूँ। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इसी फैकल्टी के ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर भानु प्रसाद उपाध्याय भी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करने के लिए डिपार्टमेंट ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राकेश मोदी सर और गौरांग सर से मैं निवेदन करती हूँ। Thank you.
धन्यवाद। आज के हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर फैकल्टी के निवृत्त प्राध्यापक ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के श्री राजुल मेहता, आपका भी स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर केदार मुकादम सर और प्रोफेसर अजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत पर दो शब्द कहने के लिए मैं तबला डिपार्टमेंट के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे सर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव, प्रेक्षक मित्र, मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, पिछले करीबन 7 महीने से यह सिलसिला हम लोगों का जारी है कि प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को हम लोग उत्सव के रूप में उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। उसमें आज ये दिसंबर महीना और आज के उसमें हमारे बीच में अक्षय जी परनामी, हमारे भूतपूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स के पीआर उपाध्याय जी राजुल मेहता, हमारे एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राकेश मोदी सर, मेरे गुरु भाई डॉक्टर गौरांग भावसार सर। मित्रों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। आज का खास हार्दिक स्वागत करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी विधाओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए विधाओं को लेकर चल रहे हैं क्योंकि गुरु जी का संबंध केवल तबले से नहीं था, उनका हर डिपार्टमेंट से संबंध आया है। वो सबसे पहले आया उनका डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, उसके साथ साथ वो वोकल डिपार्टमेंट में भी उनका संबंध आया, और साथ साथ मैं चाहूँ जहाँ तक मुझे मालूम है कि 11 बजे के बाद पंडित सुंदरलाल गंगानी जी के साथ बजाना, वो डांस डिपार्टमेंट के साथ भी उनका संबंध है। और बचा हुआ जो समय है वो ऊपर की लॉबी में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स में सभी टीचर्स के, फिर उस समय के जो भी टीचर लोग थे, चाहे वो भट्ट साहब हो चाहे कोई और भी हो, तो उनके साथ वो रहते थे। तो यही सिलसिला हम लोगों ने जारी रखने के लिए कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ प्राध्यापक जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका कला संकाय के साथ में संबंध रहा है, उन लोगों को हम लोग आमंत्रित करें, उन्हें कला संकाय फिर से एक बार उन्हें याद करें और फिर से उनका आगमन कला संकाय में हो, यही बेस हम लोगों का रहा है। तो आज के उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग दो कृतियां हम आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के ही 3 प्राध्यापक, जिनका नाम आप लोगों को मालूम है कार्ड के अंतर्गत दिया हुआ, तीनों का वो सबसे पहले परफॉर्मेंस होगा, और उसके बाद गुरु जी का संबंध जिस प्रकार से ठुमरी वगैरह के साथ, क्योंकि ठुमरी में मैंने उनको सुना हुआ है, लग्गी चाटी कैसी बजती है, वो वही दरबार हॉल में मैंने भी उनको सुना हुआ है, तो वही उनका संबंध ध्रुपद धमार के साथ भी रहा है। तो क्योंकि बहुत पुराने कलाकार लोग जब यहाँ आते थे तो वो ध्रुपद धमार के साथ भी उनका कभी कभी बजाना होता था, तो वो संबंध उनका रहा है। तो उसी सिलसिले को हम लोग कायम रखते हुए केवल ख्याल गायकी के कलाकारों को बुलाना उचित न समझकर हम लोगों ने ध्रुपद धमार के गायकी को भी हम लोगों ने अपनाया, क्योंकि वो हमारी पुरानी गायकी रही है। तो उन गायकी के कलाकार आज हमारे बीच में उपाध्याय जी दूसरे हैं, वो भी आज उनका आगमन होगा। फिर से मैं एक बार डिपार्टमेंट ऑफ तबला की ओर से, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अजय सर। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजुल मेहता,
जो ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के निवृत्त प्राध्यापक है, मैं आशीर्वचन के दो शब्द कहने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। जल यमन तो 156 एंजॉय करो, समझो 156 खबर थे ना, हाँ अब तक 56 नहीं 156। लोकशाही ने साकल पाछी चूंटनी खकड़ावी, लोकशाही ने साकल पाछी चूंटनी खकड़ावी, गलदी मानी खबर काढ़वा जाने दीकरी आवी, फरिया वच्चे चकली खोले नसीब नामे पानू, फरिया वच्चे चकली खोले नसीब नामे पानू, देत ताड़ी के आज मड़ियू छे जीववा जेवू बानू। के रंगों में आंगड़ियों नाखता तो नाखी दीदी, अने आशीर्वचन समझू है तो समझ जाओ, के रंगों में आंगड़ियों नाखता तो नाखी दीदी, बहार काढ़ी तो बधी कैनवास निकली। के रंगों में आंगड़ियों नाखता तो नाखी दीदी, बहार काढ़ी तो बधी कैनवास निकली। ओ रिटायर थई गयो 13मा, पछी बधा मने मळवा आया, राजुल भाई तमे छे ने लाफ्टर क्लब में जाओ, सवरे चालवा जाओ, એટલે વોકિંગમાં કૂતરો લઈને જવાનું, કૂતરો આપણને કહે અને ગમે ત્યાં ઉભોડે, એટલે મને કહ્યું પછી બહુ કહે આવું કરો આવું કરો આવું કરો, બધાની કથા સાંભળી સાંભળી થાકી ગયા, અધ્યયન કરો વાંચો લખો, એમ મારે લખવાનું હવે આવું, મારે બધા બહુ લખી ગયા ભાઈ હવે મારે, એટલે છે ને મેં પછી બહુ સાંભળી સાંભળીને થાકી ગયા મારા કાન, એટલે પછી મેં એવું કર્યું કે નિવૃત્તિ પછીનું મારું નિવેદન એવું છે કે એક નાટ્ય શિક્ષક શું કરી શકે, બચારો 30 વર્ષ નોકરી કરી કરીને તું રાઇટમાં ઊભો રહે, તું સેન્ટરમાં ઊભો રહે, તું લેફ્ટ સેન્ટરમાં ઊભો રહે, તું ડાઉન સેન્ટરમાં આવતો રહે, આવું કરી કરીને જિંદગી ઘડી હોય, પછી કરે શું, બચારો થાકી ગયો આખી જિંદગી 30 વર્ષ સુધી, સાહેબ હું તમારો વિદ્યાર્થી, કઈ સાલમાં તો આવું બધું ચાલ્યા કરે, એટલે આપણે રિટાયર્ડ વૃદ્ધોના બાકડા ઉપર બેઠા બેઠેલા કમ્પોઝિશન બનાવી શકીએ, એક રિટાયર્ડ શિક્ષક આપણે રિટાયર્ડ વૃદ્ધોના બાકડા ઉપર બેઠેલા કમ્પોઝિશન બનાવી શકીએ, એમાં આપણે પોતે ના બેસી શકીએ, જાઓ ને આમ પેલી રમણભાઈની છોકરી પાછી આવી ખબર છે તને, આ બધું ચાલતું હોય બાંકડા પર, ઓ ભાઈ મને તો ડાયાલિસિસનું છેલ્લું જાય છે બા, પેલો છોકરો લંડન પૈસા નથી મોકલતો, ભવ્ય નાસી કહીને છોકરા ને છોકરા મુક્તિ ગઈ બા, આ બાકડા પર બેસીને મારે શું કરવાનું હોય, એટલે આ લખ્યું મેં કે હું રિટાયર થયા પછી રિટાયર માણસોને બાકડાના કમ્પોઝિશન બનાવી શકું, પણ હું પોતે બાકડા પર ના બેસી શકું, આટલી વાર્તા છે, સિદ્ધિને ચોખ્ખીને ચટ વાર્તા, એમાં કોઈ અઘી પાછી નહીં, એટલે આખી જિંદગી મેં લોકોને બહુ હસાયા, પુષ્કળ પેટમાં આટા પાડી નાખીએ એટલા બધા હસાયા, પછી મને લોકો કહે છે હવે તમે હાસ્ય ક્લબમાં જાઓ ને પેલા લાફ્ટર ક્લબના, અને શું છે ભાઈ યાર,
અચ્છા નો માનો મને જીવવા દે ને યાર. બસ થેન્ક યુ વેરી મચ. हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भानु प्रसाद उपाध्याय सर, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ. मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स, यहाँ उपस्थित सब कलाकार और कला मर्मग्नों, हमारी पीढ़ी એ છેલ્લી પેઢી છે હું એવું માનું છું કે જે સક્સેના સાહેબ શિવકુમાર શુક્લા જે વોકલના પાયોનિયર હતા આ મ્યુઝિક કોલેજના ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના, સીસી મહેતા જે ડ્રામેટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને જેમણે શરૂ કર્યો હતો, ભરતનાટ્યમમાં અંજલિ મેળ હતા, અને આપણો જે કથક છે ત્યાં ગંગાણી સાહેબ હતા, એટલે એમને અમે છેલ્લા જોયા હતા અને એમના વાઇબ્રેશન અમારામાં ઉતર્યા છે અને એમને અમે જો પરફોર્મન્સ એમના જોયા છે. અમે વિદ્યાર્થી તરીકે હતા ત્યારે, અમે જ્યારે શિક્ષક તરીકે હતા ત્યારે નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા હતા, પરંતુ એમના આશીર્વાદ અમારા પર ઉતરેલા છે સૌના. તબલા ડિપાર્ટમેન્ટ આ જે કંઈ કામ કરી રહ્યું છે ખૂબ પ્રશંસનીય કામ કરી રહ્યું છે. સક્સેના સાહેબ ખૂબ જ પ્રેમાળ અને સૌજન્યશીલ હતા, ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યું છે. મેં જોયું અંદર ગૌરાંગ ભાવસાર સાહેબ અને અષ્ટપુત્રે સાહેબ, અષ્ટપુત્રે સાહેબને અમે સાથે અધ્યક્ષ હતા, એ તબલા ડિપાર્ટમેન્ટના હતા અને હું નાટ્ય વિભાગમાં હતો અને અમે ખૂબ સાથે કામ કર્યું છે, ખૂબ સરસ રીતે કામ કર્યું છે. અને મેં જોયું હમણાં કે ઘણા બધા રિસર્ચ જે પેપર્સ છે એને પબ્લિશ કરવામાં આવ્યા છે તબલા ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી, એટલે પરફોર્મન્સ અને એકેડેમિક અને રિસર્ચ આ બધું કામ સરસ રીતે કરી રહ્યું છે તબલા ડિપાર્ટમેન્ટ. હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું વિદ્યાર્થીઓને અને અધ્યાપકોને. સક્સેના સાહેબની વાત કરું તો સક્સેના સાહેબના મોઢેથી સાંભળેલી આ વાત છે, ક્લાસિકલ સંગીતનો કાર્યક્રમ આપણે જ્યારે અમે જ્યારે ફિલ્મો જોતા હતા ત્યારે ઘણી વખત ફિલ્મોની ટિકિટ નથી મળતી ત્યારે એના બ્લેક બોલાતા હતા, કાળા બજાર, અને એ બ્લેકમાં ટિકિટ લેવી પડે. ક્યારેક તમે એવું સાંભળ્યું છે કે ક્લાસિકલ સંગીતનો કાર્યક્રમ હોય અને એની ટિકિટ ન મળે અને એના બ્લેક બોલાય, સાંભળ્યું છે ક્યારેક? અરે બોલાવવા પડે કે આવો આવો. હા સાંભળ, કલકત્તામાં શિવકુમાર શુક્લા જે હંસધ્વની રાગ માટે જાણીતા, આપણા અહીંના આપણા વોકલ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોફેસર, અને સક્સેના સાહેબ એ બેની જુગલબંધી વોકલ, અને એમની સાથે એકમ્પની સક્સેના સાહેબ, અને એમના જ્યારે જ્યારે કાર્યક્રમો થતા હતા ને ત્યારે સક્સેના સાહેબે અમને કહેલું કે ત્યાં ટિકિટ નહીં મળે, અમારા મિત્રો કહેવાય કે મુજે દેખના હે ઓર બહાર ટિકિટ નહીં મળતી ઓર બ્લેક ટિકિટ કે બ્લેક ફોર હે બહાર, એટલે ક્લાસિકલ સંગીતના પણ બ્લેક બોલાય એવી એ પ્રતિભાવ હતી એ આપ હા એવી હતી. એટલે એ સૌ વડીલોને વંદન. અને શિવકુમાર શુક્લાની વાત કરું તો તમે જૂની બૈજુ બાવરા ફિલ્મ જોઈ છે? આ બધી વાતો તમને એટલા માટે કરું છું, જૂની એમની પાસેથી સાંભળેલી વાતો છે એટલે તમને યાદ રહે કે બૈજુ બાવરા ફિલ્મ છે જે સંગીત ઉપર આધારિત હતી. સૌથી પહેલું કાસ્ટિંગ શિવકુમાર સાહેબનું પેલા મુખ્ય ભૂમિકા માટે, બૈજુ બાવરાની ભૂમિકા માટે કરવાનું હતું અને એમને ઓફર કરી, પરંતુ એમણે કહ્યું કે મહારાજ એ ગીતો છે બ્લેક, એ પ્લેબેક જે કરવાના છે પ્લેબેક સિંગિંગ એ હું ગાઈશ. એ કંઈ પ્રોડ્યુસરને કે જે ડિરેક્ટરને મંજૂર નહોતું અને એમણે ના પાડી દીધી. અને પછી પેલા કલાકાર એટલે આવા એક પ્રતિભાવો જે થઈ ગઈ છે એમના આશીર્વાદ આપણા સૌ પર ઉતર્યા છે, એટલે આપ સૌને અને વિભાગને હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું, ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કરું છું. ધન્યવાદ સર. आज के प्रमुख अतिथि श्री अक्षय परनामी जी को मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ. सबको मेरा प्रणाम. मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय प्रोफेसर्स, मेरे को आज इतना गौरवान्वित, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ. एक्चुअली गौरांग भी ने जब मेरे को फ़ोन किया कि आपको यहाँ पे आना है, तो मेरा सबसे
हाँ बोलने का सिर्फ एक ही था कि यार मेरे को म्यूजिक डिपार्टमेंट मतलब मेरे को यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मेरा 2011 में वो गवर्नमेंट नॉमिनी सेनेट यहाँ पे रखा गया एमएस यूनिवर्सिटी में, तो यंग था करना क्या है क्योंकि हमको सेनेट में सिर्फ बताया गया कि एक मीटिंग में आना है और बस निर्णय लेना है। और यहाँ के हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर योगेश सिंह जी थे, तो मैंने उनको कहा मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मैं ऐसे कैसे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकला कॉमर्स में, उसके बाद मेरे को कुछ भी यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है। तो बोले अपने आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करो, आप बताइए आपको क्या करना है, जो भी करना है आपके लिए सब ओपन है। तो उस समय मैं देखता था कि हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बड़ी शैटर्ड थी, मतलब पूरी तरह से उसको कुछ करना था। तो मैंने सर को ये मैं एक लेना चाहता हूँ कि हर एक फैकल्टी हर एक अपने आप अपना डिपार्टमेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो लोग अपने आप हर चीज़ अपलोड करें। तो सर ने मेरे को परमिशन दे दी और उस वजह से हर एक फैकल्टी में घूमना, हर एक डिपार्टमेंट को समझना और फिर उसको कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे उसका दायित्व मिला मुझे। उस समय मैं शायद 98 में जब मेरा कॉलेज खड़े हुआ 99 में, उसके बाद पहली बार मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में शायद उसके बाद एंटर हुआ फैकल्टी में। और अभी भी मैं वो क्यों याद कर रहा हूँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद एक सेंसिटिव होते हैं हम लोग, तो एक अजीब सी शांति मिली थी बहुत। उस पल को आज भी मैं वो महसूस करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मैं हर एक डिपार्टमेंट में घूम रहा था, यहाँ के जो डीन थे उन्होंने मेरे को बताया कि ये है, तो हम लोग उसकी कुछ तस्वीर खींचनी थी और उसको फिर हमको अपलोड करके उसको डिपार्टमेंट कनेक्ट करनी थी। पर यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ एक ऐसी शांति मिली थी जो हम कभी कभी ऐसे कोई पुराने जगहों पे मंदिरों में जाते हैं और एक अजीब सी जो शांति मिलती है, एक अजीब सी इफ़ यू कैन फील इट, वो मेरे को यहाँ महसूस हुआ था। और मैं इतना, वो मेरे पास शब्द नहीं है, पर मैं इतना सेंसिटिव हो गया यहाँ पे आके कि मैं आया था सिर्फ, मैं फटाफट एक डिपार्टमेंट में जाऊँगा फ़ोटो वोटो खींच के निकल जाऊँगा, मैं यहीं रहा करीबन मैं 3-4 घंटे यहीं रहा। और तो मुझे कहीं ना कहीं हमने सुना था शब्द ब्रह्म होते हैं जो हमेशा वायुमंडल में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हमारा ये डिपार्टमेंट है, ये फैकल्टी है पूरी, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आप लोग सब, हमने तो कॉमर्स में किया और बिजनेस में लग गए बहुत यंग एज में, आप लोग जो आनंद पा रहे हैं यहाँ पे आके, और हम तो थोड़ा टाइम के लिए आते हैं पर जो एक अजीब सा महसूस होता है, और आप तो इसी में रहते हैं। और आज सर का थोड़ी सी बात उन्होंने की पर इतने मज़ेदार थी, तो वो कैसे, और इन लोगों के मैं केजी सर के साथ बोला, केजी सुब्रमण्यम जी हमारे फाइन आर्ट्स के थे, मैं फाइन आर्ट फोटोग्राफर हूँ, तो मैंने पहली बार कुछ ऐसा हिम्मत की और मैं उनसे मिलने गया था कि सर मैं ऐसे कुछ तस्वीरें, मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे, तो केजी सर इतने सहज थे। मैं यहाँ पर यही सोचता हूँ कि एमएस यूनिवर्सिटी में हमको आना और जो पुराने ये पीढ़ी थी इनके साथ कनेक्ट होने में एक अजीब सा मज़ा था, क्योंकि वो हमको समझते थे। वो मुझ में एक अलीब सा, उन्होंने मेरे को कहा था कि नहीं तेरे में ये है तू करो, मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। मैं डरते हुए जा रहा था कि मैं सर को बुला सकता हूँ, केजी सुब्रम इतने बड़े आदमी, वो मेरे शो में आएंगे मेरे तस्वीर का, बट वो आए और इतने सहजता से सब देखा और एक छोटी सी बात करके कंधे पे हाथ रख के चले जाते थे। तो उनको ऐसे आशीर्वाद मिलते थे यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी के साथ। मैं 2011 से लेके अभी तक मैं हमेशा इस चीज़ को, मैं हमेशा नरेंद्र भाई का आभारी रहता हूँ कि उन्होंने मेरे को जब यहाँ पे सेनेट में रखा था तो मैं बोलते मैं कि क्या करूँगा यहाँ पे आके, पर एक अजीब एक जो मुझे यहाँ पे मिला और इन सब बड़े जो यहाँ पे जो आपके साथ रहे हैं, जो पुराने प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ जो रह के एक अजीब सा हमको कनेक्ट मिलता है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। इवन खाली प्रीमाइसिस में रहने से ही आपके पास इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको कि आपको कुछ पाने की पता नहीं अभिलाषा रहती भी नहीं है। कभी कभी हम जब यहाँ आते हैं तो आज संगीत के बारे में मेरे को पता, मैं कुछ तबले का मैं ऐसे शौकीन था, तो आप जब भी कुछ म्यूज़िक जब भी कोई प्ले करता है या जब आप बजाते हैं या जो कोई गाते हैं अच्छे से, वो जब तक एक लय में होता है तो हम अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं कि हम कोई इतना अच्छा संगीत बज रहा है तो आप इतने निजानंद में चले जाते हैं, क्योंकि संगीत जो बजाता है या गाता है वो खुद में एक बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक प्योरिटी होती है, तो हमको सीधा कनेक्ट कर देती है। तो आपका जो निजानंद होता है वो हमारे आनंद में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। मैं कभी कभी, मेरी माता जी अभी 65 हैं बट वो अभी भी संगीत सीख रही हैं,
तो वो कभी घर पे बैठ के कुछ ना कुछ बजाती रहती हैं और हम सिर्फ उसे सुनते हैं, या वो मैं उनको पूछता हूँ, मामा आप क्या करोगे अभी ये एज में जाते रहते हो कुछ ना कुछ? बोले मैं जब भी ये बजाती हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति और आनंद मिलता है। तो इस परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप लोग इस प्रिमाइसिस में हम जिस जगह पे हैं आप, मुझे तो खुद ऐसे फीलिंग है कि मैं अब क्या शब्दों में बयान करूं। मैं गौरांग भाई का, मोदी सर सबका बहुत खूब खूब आभार हूं कि मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। मुझे यहाँ पे आने का बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और मैं कुछ भी आपके साथ डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकूं या कुछ भी मेरे कई सेक्शन तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके यहाँ पे आके वापस से एक अजीब सी शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आभार प्रदर्शित करने के लिए डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर गौरांग भावसार सर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आपको जरा थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि ये सेशन क्यों, ये हमारी लेगेसी है उसको बरकरार रखने के लिए ये सेशन जो फर्स्ट सेशन है वो हो रहा है। आपको पता है कि हमारे सामने दो दिग्गज यानी हमारे संकाय के प्रोफेसर, आप लोग कभी उनको मिल नहीं सकते, लेकिन आज वो हमारे सामने हैं इसलिए कि हमने उनको आमंत्रित किया है, फैकल्टी ने उनको आमंत्रित किया है। ऐसे यानी ये जो सम्मेलन पूरा हो रहा है उसमें यही उपक्रम पहला वही है कि गाना बजाना तो होगा लेकिन उससे पहले सम्मान जरूर होगा। तो इसीलिए ये कार्यक्रम सबसे पहले है जो सबको ऐसा लगता हो कि ऐसा क्यों यहाँ गाने के बजाने के, लेकिन सम्मान जब सम्मान होता है तब देवता सारी जो भी है हमारी जो साधना है वो रंग लाती है। तो इसीलिए यह कार्यक्रम हमारे यहाँ पहले होता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ तबला फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से आज हमारे बीच आज के अध्यक्ष के तौर पर जो अभी अक्षय जी को आपने सुना, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो टीम है उसमें वो काम करते हैं। उनकी जो कल्चरल जो सारी चीज़ें हैं, फोटोग्राफी हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं बड़ा, तो उसमें वो उनका एक बड़ा योगदान रहता है। ऐसे अक्षय भाई छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे बड़े कलाकार हैं, बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं। और परनामी अगरबत्ती सुना होगा आपने, उनके वो डायरेक्टर है परनामी अगरबत्ती के। मैं अक्षय भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारी एक 24 घंटे पहले मैंने उनको बताया कि आपको आना है और सहजता से उन्होंने हाँ कह दी। उसी के साथ साथ मैं हमारे गुरुवर्य राजुल भाई मेहता जी, उनके साथ तो मैं बहुत रहा हूँ और उनके साथ आप भी अगर रहेंगे तो आपको एक लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा उनसे। उनके बिना फिर एक बार उनको ना मिले दिन में तो चैन नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे राजुल भाई मेहता साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और भानु प्रसाद उपाध्याय जी, बीआर उपाध्याय सर के नाम से हम उनको पहचानते हैं। वो पहले शिक्षक रहे, उसके बाद वो हमारी यहाँ डिपार्टमेंट में, ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में आए। तो हमारे पूर्व दोनों हमारे गुरुवर्य, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जन्म शताब्दी की ओर से। और मैं आग्रह करूँगा कि वो आते रहे फैकल्टी में, और साथ में यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के, ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, वो भी राकेश भाई मोदी जी का भी आभारी हूँ। हमारे विनोद भाई पटेल हमारे सेनेट मेंबर, उनका आभारी हूँ मैं। और हमारे संकाय अध्यक्ष जो कि राजेश भाई ने मुझे बोला था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि एक और भी संगीत का ही एक काम था, उस काम के लिए वो रुके हुए थे। नहीं तो आपको पता है कि वो सबसे पहले यहाँ हमारे साथ होते हैं, तो आए फिर भी वो हमने बोला कि नहीं मैं पीछे ही बैठता हूँ, कार्यक्रम हो गया है। तो ऐसे सहज हमारे संकाय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश केलकर जी का भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ। हमारे हरीश भाई गंगानी जी की हर कार्यक्रम में वो उनका यहाँ हाजिरी होती है, वो कहते हैं कि गुरु के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए मैं आता हूँ। आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुरु जी के कई सारे शिष्य आए हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अब बस हम आगे का जो कार्यक्रम है गायन और वादन,
अब बस यहाँ प्रस्तुत होगा, साथ में हमारी मेघना बहन अष्टपुत्रे जी जो हमारी यहाँ की लेक्चरर, जो उन्होंने आज संभाला है पूरा उद्बोधन का कार्य, वो कार्यभार, उनका भी मैं आभारी हूँ। फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए जो हमारा फर्स्ट जो सेशन था वो यहाँ समाप्त करते हूँ, और मैं अजय सर को विनती करता हूँ कि गेस्ट को वो यहाँ बिठाए आगे, और हमारे कार्यकर्ताओं की विनती है कि हमारा स्टेज का काम जल्दी ख़त्म कर दें ताकि आगे की। धन्यवाद। आज की हमारी पहली प्रस्तुति ट्रायो तबला परफॉर्मेंस, और हमारे बीच उपस्थित रहेंगे की गड़गड़ाहट से ही कलाकारों का आगमन हो रहा है। सभी श्रोतागण से निवेदन है कि वे थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे जो भी खड़े हो उनको जगह मिले। कृपया थोड़ा आगे आ जाइए। मंचस्थ कलाकार श्री जयदीप लकुम, श्री दीपक सोलंकी एवं श्री धनंजय वेकारिया, ये तीनों कलाकार इसी फैकल्टी के तबला विभाग के प्राध्यापक हैं। आप तीनों ने ही अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री यही से प्राप्त की है, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तबला विभाग से, और तीनों ही रिसर्च स्कॉलर भी है, अपने अपने विषयों पर वो संशोधन कर रहे हैं, और आप अच्छे तबला वादक भी है। शुरुआत की इस तालियों की गड़गड़ाहट से ही पता चला कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। आपके साथ लहरा संगत करेंगे श्री अर्पित मांडविया। अर्पित मांडविया ये एक जाने माने सारंगी वादक है, और उस्ताद इकरम खान एवं संगीत मिश्रा जी के आप शिष्य रहे हैं। मंचस्थ कलाकारों का स्वागत करने के लिए मैं तबला विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर केदार मुकादम एवं तबला विभाग के अध्यक्ष गौरांग सर को आमंत्रित करती हूँ। यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर श्री विनोद पटेल जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ मंचस्थ कलाकारों का स्वागत करने के लिए।
श्री श्री दीपक सोलंकी, श्री जयदीप लकुम, एवं श्री धनंजय वेंकारिया। धन्यवाद सर। आज की लहरा संगत श्री अर्पित मांडविया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंचस्थ कलाकारों को अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। Thank you.
नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजन एवं विद्यार्थीगण और श्रोतागण को मेरा और मेरे साथी मित्र श्री जयदीप लकुम, धनंजय वेकरिया और अर्पित मांडविया की ओर से सादर नमस्कार। आज हम आपके सामने ताल तीन ताल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। यह जो ये हमारी प्रस्तुति हम हमारे गुरुजी श्री प्रोफेसर सिद्धू कुमार कृष्णा जी के चरणों में एक फूल की पंखड़ी की तरह रखने जा रहे हैं। नमस्कार।
Thank you.
आपके सामने सक्सेना गुरुजी का एक कायदा पेश करने की कोशिश करेंगे। मध्यालय की बंदी से ये जो बंदी से एक अनागत का ही प्रकार है। यह हमें पुष्कर सर से प्राप्त हुई है और इसके दो जोड़े भी है जो हम अभी बजाने का प्रयास करेंगे।
गत एक लखनऊ की बंदिश
क्या कितनी है उसमें केदार सर से मिले। पुष्कर सर की चक्रधार पुष्कर सर से मिली थी और वो चक्रधार उनके दादाजी श्री लक्ष्मी प्रसाद श्रीधर जी के। Thank you.
स्मृतिकरण का आखिरी बंदिश रेला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये रेले की जो तिहाई है वो सक्सेना गुरुजी अपने संगत एवं सोलो का जो परफॉर्मेंस होता था उनका तब वो बजाते थे, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है और इसी के साथ हम अपना वादन भी समाप्त करें। रेला एक बार अर्पित
दूसरी कहूँ तो मेरे ख्याल से कम 22 साल पूर्व की बात बताता हूँ कि मधुकर गौरव जी ने इसी प्रेमानंद साहित्य हॉल में जो धाक डधे ते टते टक डधे ते ट धागे ते टक डधे ते ट धागे ते ट धागे तक का धेना गिनाई जो अजराड़े की कायदा है और उसको जो पेश करने का जो ढंग है जिसे कहते हैं सौंदर्य, जहाँ गुरु जी कहते थे कि यदि वो एक लिपिबद्ध कायदे को यदि आप पेश करोगे तो वो कायदा नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विराम देके अवग्रह देके यदि उसको एस्थेटिक्स यदि आप उसके अंतर्गत आप यदि पैदा कर सकते हो तो वो एस्थेटिक्स का काम इन्होंने इन तीन लोगों ने बहुत सालों के बाद मुझे सुनने के लिए मिला, इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। जहाँ तक गतों का सवाल है, इस डिपार्टमेंट ने एक मूर्धन्य कलाकार खोए हमारे पुष्कर भाई। पुष्कर भाई ऐसे चौमुख कलाकार कि जिनके पास नृत्य भी था, तबला तो घर में ही था और उतना ही गाना जानते थे, तो ऐसे पुष्कर भाई को भी हम लोगों ने खो दिया। लेकिन पुष्कर भाई का आज तबला बज रहा है ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं भी पुष्कर भाई को वंदन करता हूँ और इन तीनों कलाकारों को लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि ऐसा शास्त्रोक्त तबला वादन जिसको कहते हैं, कोई गिमिक्स नहीं है, केवल ये नहीं है, इसमें गते बज रही है, इसमें प्यार तबला बज रहा है, इसलिए खुशी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। हमारी अगली प्रस्तुति अगली और अंतिम और मुख्य प्रस्तुति ध्रुपद गायक। आपके समक्ष थोड़ी देर में स्वर मंच पर विराजमान होंगे श्री चिंतन उपाध्याय। आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। आप मूल भावनगर के हैं। आपने अपनी प्राथमिक संगीत की तालीम अपने माता पिता से प्राप्त की तथा पंडित लक्ष्मीपति शुक्ल जो पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य थे तथा पंडित अश्विन अंधारिया जो स्वर्गीय पंडित रसिकलाल अंधारिया जी के भतीजे हैं, इन सभी से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप बृहद गुजरात संगीत समिति के संगीत अलंकार तथा ललित कला एकेडमी पुणे से मास्टर की पदवी प्राप्त है। आपने नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त करके पंडित विकास कशालकर जी तथा श्री विजय कोपरकर जी से ख्याल गायन की तालीम प्राप्त की है। तत्पश्चात पंडित उदय भवालकर जिसे द्रुपद की शिक्षा प्राप्त की है, जो डागर परंपरा के विख्यात द्रुपद गायक हैं। आप आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी के स्कॉलर भी रहे हैं और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। आप ध्रुपद गायन की विधा में ऑल इंडिया रेडियो के बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट भी है। देश विदेश में आपने अपनी बहुत सारी प्रस्तुतियां भी की है। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं श्री धवल मिस्त्री। आप शहर के जाने माने पखावज वादक हैं। पंडित माणिक मुंडे जी के आप शिष्य रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तबला डिपार्टमेंट के वो भूतपूर्व विद्यार्थी भी रह चुके हैं। सारंगी पर साथ देंगे श्री अर्पित मांडवीय। आप भी बहुत ही जाने माने और तांपुरा
आपके साथ तानपुरा पर साथ करेंगे राजन और चिंतन. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका शाल और स्मृति चिन्ह देके स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे अतिथि प्रमुख अक्षय जी को और हमारे बी आर उपाध्याय सर को भी मैं आमंत्रित करती हूँ. श्री धवल मिस्त्री सर, गौरांग सर को मैं आमंत्रित करती हूँ. राजन और चिंतन का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं गौरांग सर को आमंत्रित करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब मैं मंचस्थ कलाकार को अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति आरंभ करें. थैंक यू.
मॉनिटर में थोड़ा तानपुरा चाहिए। आने भी मॉनिटर में आपसे बार पण आमचे खूप जास्त हवे का प्रोफेसर श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी के स्मृति में मुझे गाना इनका अवसर मिल रहा है, इसकी बड़ी प्रसन्नता है। और आप सब विद्यार्थियों की इतनी संख्या देख के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी जब एमए कर रहा था म्यूज़िक में, तो इन दिनों में म्यूज़िकली क्रिएटिवली कितना कुछ संभावनाएं होती है और हम कितना कुछ करते हैं, कितनी लगन होती है, तो वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे बड़ौदा में इतना अच्छा काम हो रहा है। और सभी फैकल्टीज़, केड़कर सर और जितने भी यहाँ पे सिखाने वाले गुरुजन हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करूँगा। मैं गायन का कार्यक्रम का शुरुआत राग अमृत वर्षिणी से करूँगा। जैसे द्रुपद के लिए दो शब्द कहूँगा सिर्फ,
कि इसमें जो आलाप में जो वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं री नूम र न, तो इन सब का जो उगम है वो हरि ओम नारायण अनंत इन सब शब्दों से अपभ्रंश होते होते अक्षरों का नादमय प्रकटीकरण हुआ है और उसी में राग का विस्तार किया जाता है। तो आप सब की आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू। वही रखे ना Na
बोले रे
Na 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 na
इसमें एक परंपरागत पद है चौताल में, इसके बोल है नाद विकट वेद विकट याहू के भेद विकट अंत हो न पायोरी।
Vikata Nada
में एक सूल ताल में एक बंदिश पेश करूंगा।
सुलताल में कंपोजिशन है वो स्थाई गुरुजी ने बनाया है और उन्होंने स्थाई बनाया था और मैंने एक दिन पूछा गुरुजी इसका अंतरा बोले तुम बना लो, तो मैंने एक बाल सहज एक प्रयास किया है अंतरा बनाने का इसका। शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर
शंख भुजंग सोहत रुंड माल सोहत रुंड माल शिव शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर 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 महादेव देव शंकर 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 महादेव शंकर महादेव शंकर जटाजूट भुजंग जटाजूट भुजंग सोहत रुंड माल सोहत रुंड माल शिव शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर 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 महादेव महादेव शंकर 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 महादेव शंकर शंकर महादेव जटाजूट भुजंग शंकर महादेव शंकर महादेव जटाजूट भुजंग सोहत रुंड माल सोहत रुंड रुंड माल सोहत रुंड माल सोहत 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 शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर शंकर महादेव जटाजूट भुजंग जटाजूट भुजंग सुवदरुंड माल शिव शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर शंकर महादेव महादेव शंकर 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 महादेव शंकर महादेव शंकर जोगी धरत ध्यान धरत धरत जोगी धरत ध्यान जोगी धरत ध्यान जोगी धरत धरत ध्यान ध्यान जोगी धरत ध्यान धरत धरत ध्यान धरत धरत ध्यान जोगी 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 धरत ध्यान जोगी धरत ध्यान देवन करत गान देवन करत गान जोगी धरत ध्यान देवन करत गान शंभु सोहावत नव मंडल समान शंकर महादेव शंकर महादेव देव 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 महादेव 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 शंकर महादेव महा
शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर 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 महादेव शंकर शंकर महादेव जरा झूठ भुजंग जरा झूठ भुजंग जटा 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 झूठ भुजंग सोहत रुदमाल जड़ा जड़ा झूठ झूठ भुजंग जोगाधरो शंकर महादेव जटा झूठ भुजंग सोहत रुदमाल सुंद शंकर महादेव जटा झूठ भुजंग सोहत रुदमाल शिव शक्ति अपार अपार शंकर महादेव शंकर महादेव जटा झूठ भुजंग जटा झूठ भुजंग सोवत रुंदमाल शिव शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर जोगी दरत ध्यान जोगी दरत ध्यान देवन करत गान देवन करत गान शंभु सोहावत नव मंडल समान शंकर महादेव जटा झूठ भुजंग सोहत रुंदमाल शिव शक्ति अपार शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर कार्यक्रम का समापन भैरवी से करना चाहूंगा।
सुंदर प्रस्तुति चिंतन भाई, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। जैसे कि हमने पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है कि ध्रुपद का वर्णन पढ़ा है कि धीर गंभीर आवाज़ होती है, लयकारी होती है, लेकिन उसके परे आपकी गायकी में वही मिठास भी है, लयकारी और धीर गंभीरता के साथ साथ श्रृंगार भी है, सौंदर्य भी है। और शायद ही इसी के लिए ध्रुपद गायकी आज जीवित है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू, आप सबके आशीर्वाद। थैंक यू। और बीच में ऐसा समय आया था कि ध्रुपद गायकी अपने संगीतज्ञ या संगीत जगत में ऐसी चिंता व्यक्त हो रही थी कि ध्रुपद गायकी कहीं नष्ट ना हो जाए, लेकिन जब तक आप हैं, आपके गुरु उदय भवालकर जी हैं जिन्होंने इस ध्रुपद गायकी को संभाल के रखा है, जब तक आप हैं तब तक ये ध्रुपद गायकी कभी ही नष्ट नहीं हो सकती। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू धवल जी, आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से साथ संगत की, आपके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से आभार मानना चाहती हूँ। चिंतन और राजन, उनको भी मैं आभार मानना चाहती हूँ। अब इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर हम आए हैं। मैं हमारे फैकल्टी के डीन प्रोफेसर राजेश केलकर सर को मैं निवेदन करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शित दो शब्द कहें। ये तो मेरे लिए बाउंसर है, इसलिए मुझे निभाना पड़ेगा। इतना विशुद्ध, विकार रहित, सात्विक, परिष्कृत संगीत सुनने के बाद आभार करने योग्य भी मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि इतना मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहा, आप सब आप नहीं रहे, कुछ अलग ही दुनिया में, अलग ही विश्व में हम सब टहल रहे हैं। पर परंपरा का निर्वाह तो करना है। एवो भार आप्यो छे के जे कैरेई उतारी नहीं शकाय, पण केवू पड़शे आभार। मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज चिंतन जी का गायन हुआ, परसों और कल पंडित उदय जी का गायन हुआ, इसी स्थान पे ऊपर उनके दादा गुरु उस्ताद फरीदुद्दीन खां साहब का गायन हुआ, और 126 साल पहले इसी प्रांगण में, मैं ये नहीं कहूँगा यही प्रांगण, पर यही संस्था के अन्य प्रांगण में अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन खां साहब, भातखंडे जी, इन लोगों का गायन हुआ। और ये परंपरा उससे भी कई वर्ष पुरानी है, शतक पुरानी है। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने को दिया है तो कई बार ऐसे होता है कि माइक छोड़ू नहीं। वैसे गाने के बाद कुछ बोलना तो वो बढ़िया एक मलाईदार दूध बनाओ और उसमें निचोड़ रहा हूँ मैं नींबू, ऐसा मुझे एहसास होता है। परंतु ज्ञान की गंगा भी बहनी चाहिए, मैं कहाँ से प्राप्त किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कैसे आदान प्रदान होता था उसका एक उदाहरण कि आपके परदादा गुरु उस्ताद बहराम खां साहब, जयपुर के मोहम्मद अली खां साहब जो कि प्योर ख्याल ये थे, और आगरा के उस्ताद गग्गे खुदा बख्श जो कि नौहार बानी के द्रुपदी और
आगरा रंगीला गायकी के ख्याल गायक, ये तीनों एक समय एक साथ जयपुर के कलावंत कारखाना, तो वो तो बड़ौदा में, गुनीजन खाने में कलावंत कारखाना बड़ौदा में था। तीनों ने एक दूसरे को अपनी बंदिशें दी, आदान प्रदान किया और उनको कहते थे टोपी बदल गुरु भाई, एक दूसरे की टोपी बदलना। पर उसके पीछे ये है कि अपनी कला परंपरा उसका निर्वाह करते रहना, और यही काम आप इतनी पीढ़ियों के बाद बड़ौदा में आकर बस कर अलंबिक संस्था के जरिए आगे बढ़ा रहे, ये बहुत पुण्य कर्म है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, कोर्स सिलेबस करिकुलम ये एक अपनी जगह है, वो शायद आपको नौकरी देने के लिए उपयोगी है, परंतु हमारी परंपरा में कहा है ना कि कला असुंदर को या बदसूरती को खूबसूरती की तरफ ले जाती है, खूबसूरती से अति सुंदरता की तरफ ले जाती है, परंतु ध्रुपद तो हमको देवत्व का एहसास कराती है ये गायकी, और उसका प्रत्यय हम सबको आया उसको दिलाने के लिए आपको, आपके शिष्यों को, संगतिकार धवल जी को, आपकी परम गुरु परंपरा को मैं नमन करता हूँ श्रद्धा से। और इस आयोजन के लिए तबला विभाग और पूरी वानर सेना, मैं अपने बच्चों को वानर सेना कहता हूँ क्योंकि मैं भी, आप जामवंत कहो या हनुमान कहो, जो कहना है कहो, मैं हूँ, और आप सब ने हमारे कान तृप्त किए इसलिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभ रात्रि।